हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर। फिर से वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। जो मेरा डिस्कशन है इस टॉपिक में वो है कि हम एक न्यू बिजनेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक अगर आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों, जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, आज से 7-8 साल पहले जो है, मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था तो मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था। तो मैं बहुत रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करूं और ऐसा कौन सा बिज़नेस हो जिसमें मेरा सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो, कम रिस्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, मैनेज करने के लिए ईजी हो। तो कोई भी एक न्यू पर्सन जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है वो यही चीज़ देखता है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हो और कम रिस्क हो। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे कंफ्यूज हो इस वक्त, जो मैं पहले था, कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए और किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगा, पता है दोस्तों, कि मैं जो डिफ़िकल्टीज़ के वक्त से गुजर चुका हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें जो, जैसे मैं आपको अगर मेरी स्टोरी बताऊँ जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, तो मैंने मेरे एक दोस्त थे जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते थे, मतलब कि वो गारमेंट्स बनाते थे। तो मैं जब उनके फैक्ट्री पे गया, मैंने उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपने फैक्ट्री पे आने दो, तो मैंने ये देखा कि वो लोग क्या करते थे कि वो लोग एक प्रोसेस में थे। प्रोसेस मतलब ऐसा था कि जो हमारे टी शर्ट्स होते हैं, जो जेंट्स के टी शर्ट्स हैं, उसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग होती है, पता है आपको, मतलब पेंट लगा हुआ होता है कोई डिज़ाइन वगैरह का। तो ये लोग उस पेंट को बना के उन टी शर्ट्स पे वो पेंट लगाते थे। अब वो कैसे करते थे वो मैंने पूरा प्रोसेस देखा, उसको स्क्रीन प्रिंटिंग बोला जाता है। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि ओके, जो टी शर्ट्स बनते हैं वो एक ही पर्सन नहीं बनाता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रीज उस पर अलग अलग प्रोसेस करते हैं। जैसे एम्ब्रॉयडरी कोई और करता है, कटिंग कोई और करता है, स्टिचिंग कोई और करता है, डिज़ाइनिंग कोई और करता है। तो इससे मुझे ये पता चला कि जो, जैसे मेरा दोस्त का जो बिज़नेस था स्क्रीन प्रिंटिंग का, वो उसमें भी वो अच्छे पैसे कमाता था, मतलब वो एक एक साल डेढ़ साल में स्टैब्लिश होने के बाद में 1-2 लाख रुपए पर मंथ कमाता था बिना किसी ज़्यादा कठिनाई के। तो इससे मुझे ये पता चला कि हाँ, बिज़नेस जो है वो, जैसे अगर मैं गारमेंट्स के बिज़नेस में जा रहा हूँ तो उसमें भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने मेरे दोस्त को ये बोला कि ठीक है, मैं भी इस बिज़नेस में आना चाहता हूँ। तो अब दिखती बात है, अगर जैसे आपका भी कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, जैसे जैसे मैंने गारमेंट के बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा उससे जानकारी लिया, रिसर्च किया, तो हो सकता है आपका भी कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो किसी और बिज़नेस में होगा, तो आप जब उसकी रिसर्च करोगे, उसको बोलोगे कि हाँ मुझे भी इस बिज़नेस में आना है, तो ये दिखती बात है कि वो आपको उसके पैरेलल बिज़नेस में नहीं देगा। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग बिज़नेस के बारे में नहीं बताया, उसने मुझे क्या बोला कि तुम एक काम करो, तुम स्टिचिंग में चले जाओ, तुम जो है वो एक 4-5 मशीन्स ले लो, सिलाई मशीन्स, और एक जगह ले लो और वहाँ पर उन लोगों को बिठा के, मतलब कुछ टेलर्स को अपॉइंट करके उनको बिठा के स्टिचिंग का काम शुरू करवा देते हैं, तो इससे तुमको अच्छा पैसा मिलेगा, मैं तुमको काम ला के दूंगा। मतलब कि क्या होता है कि एक स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन अगर है तो उसकी इच्छा होती है हमेशा आगे बढ़ने की। अब आगे बढ़ने की इच्छा में हर चीज़ वो नहीं कर सकता, जैसे मेरा दोस्त स्क्रीन प्रिंटिंग करता था, तो वो जो है वो स्टिचिंग का पूरा सेटअप करना, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है, तो वो नहीं कर सकता था। तो उसने मुझे एडवाइस दिया दोस्ती के नाम, मैंने उसको बोला भाई मुझे भी कुछ स्टार्ट करना है, आप मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ कोई रास्ता। तो उसने मुझे बताया ओके, आप इस तरीके से करो। तो मैंने एक जगह देखा, मैंने उसका जो है वो टोकन देके उसको रेंट पे लेने का भी प्रोसेस कर लिया, लेकिन बाद में मेरी जॉब लग गई तो मैंने वो प्रोसेस को बीच में से छोड़ दिया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया, मतलब एक एक पहले तो एक इंडस्ट्री सोच लो। सबसे पहले आप एक भरोसेमंद आदमी सोच लो जो आपको थोड़ा गाइड कर सकता है, बिना गाइड करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसकी इंडस्ट्री में रिसर्च करो, आपको जब आश्वासन हो जाता है, आपको ये भरोसा हो जाता है कि ये पर्सन मुझे गाइड करेगा, तो उस इंडस्ट्री में रिसर्च करो।
फिर उसमें देखो क्या तुम अंदर जा सकते हो या नहीं उस बिजनेस में, फिर क्या तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। इसके अलावा मैं तुमको टिप्स ये दे सकता हूँ कि अगर आप एक न्यू बिजनेसमैन हो, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इतनी बात पक्का सोच लो कि आप कुछ ना कुछ नुकसान करोगे। कितना नुकसान? 1 लाख से 2 लाख रुपए मिनिमम पकड़ के चलो। वो नुकसान करे करे बिना तुम आगे सीख नहीं सकते। तो तुम्हारे पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। 10-20 हज़ार रुपये में आज की डेट में, अगर हम जैसे मैं मुंबई से हूँ, किसी बड़े शहर में आप बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कुछ गाइडेंस मिला होगा, जो जो मैंने फेस किया, किस तरीके से न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप इस बारे में सोचो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। अगर आप नवा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस वगैरह का ज़रूरत है, जैसे GST नंबर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, या कोई भी और किसी भी तरीके का लाइसेंस है, तो आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल भी कर सकते हो। आप कौन से शहर से हो ये ज़रूर नीचे लिखिएगा, और आपके कुछ कमेंट्स और आपके सवाल नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करके उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और बहुत सारे बिजनेसेस पे रिसर्च कर रहा हूँ, जिसकी आपको और जानकारी फ्यूचर में मिलती रहेगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।